अल्लाहम स्टूडेंट्स मेरा नाम अमार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज़ 2.3 के नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट और हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने डेल्टा की वैल्यू ग्राफिकली फाइंड करना सीखी थी आज के लेक्चर में हम अलजबरी देखेंगे ठीक है तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें एक मरतबा फिर से अपनी डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं इस डेफ़िनेशन को हमने डिटेल में सीखा हुआ है पहले लेक्चर में ठीक है इस एक्सरसाइज का जो पहला लेक्चर था उसमें ओके सो लेट्स से जी हमारे पास कोई एक फंक्शन है फॉर ऑफ एक्स हम उसको नाम दे देते हैं जो कि एक ओपन इंटरवल पर डिफ़ाइन है विच कंटेन सी ठीक है लेट्स से ये आपका पॉइंट सी है सी के इर्द गिर्द वाले जो पॉइंट्स हैं जो एक ओपन इंटरवल बन रहा है ये फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर डिफाइन होना लाजमी है बट सी पर डिफ़ाइन होना लाजमी नहीं है सी पर फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अनडिफाइन भी हो सकता है आप लिमिट uh, उसकी डिफाइन uh, कर सकते हैं ओके देन वी दैट द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोच इज दिस सी इज़ द नंबर एल इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप सी को अप्रोच कर रहे हैं यानी सी के करीब जा रहे हैं बोथ लेफ्ट एंड राइट से आपकी लिमिट एल आ रही है एल वाई एक्सिस पर आपके पास जो वर्टिकल एक्सिस होता है उस पर कोई ना कोई वैल्यू होगी ठीक है यानी फंक्शन आपका एफ ओफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच करेगा जैसे जैसे आप सी के करीब जाएंगे अच्छा ये एक तरह से आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल डेफिनेशन ये जो नीचे वाली दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ना दिस इज़ द बाय द वे प्रॉपर फॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन वो कह रहे हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर एपसी का नाम दिया हुआ है जो कि एक पॉजिटिव रियल नंबर है देयर एग्जिस्ट अ करस्पोंडिंग डेल्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ करस्पोंडिंग डेल्टा यानी हर एप्सिलॉन के लिए आपको कोई ना कोई डेल्टा मिलेगा सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कंडीशन क्या है कंडीशन ये सिंपल है एफ ओफ एक्स माइनस एल की एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है एफ ओफ एक्स का और एल का डिस्टेंस लेस देन होगा एप्सिलॉन से कब वेन एवर द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड सी इज़ लेस देन डेल्टा वेरी सिंपल जैसे जैसे आपका सी का एक्स के साथ डिस्टेंस लेस देन होगा डेल्टा से दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स का और एल का डिस्टेंस होना चाहिए एप्सीलोन से लेस एप्सिल कोई ना कोई नंबर होगा जो कि ज़ीरो से बड़ा होगा तो ये बहुत मिनिमम भी हो सकता है तो हर एप्सीलोन के लिए आपको ये डेल्टा मिलना चाहिए ठीक है आप जो भी एप्सिलॉन पिक करें ये डेल्टा मिलना चाहिए तो हम कहेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारा इस एक्सरसाइज पूरी में ही ये काम है कि आपको एप्सिलॉन गिवन होगा आपने उसके मुताबिक डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे राइट right? तो आज के लेक्चर में भी हम क्या करने जा रहे हैं डेल्टा की वैल्यू ही फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चंस के अंदर फंक्शन गिवन होगा एल लिमिट गिवन होगी उसकी सी लिमिट पॉइंट जिस पर हम लिमिट देखना चाह रहे हैं ये गिवन होगा एप्सीलोन गिवन होगा जीरो पॉइंट जीरो वन तो आपने इन सब को यूज़ करते हुए ये डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है ये बहुत आसान तरीका है आपने जस्ट इन दो इनक्वालिटीज़ को यूज करना है एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सीलोन यहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट इसमें आपके पास जनाब जो क्वेश्चन है एक ज़रा लिख लेते हैं एफ ओफ एक्स इज़ एक्स प्लस वन सी सॉरी सी से पहले हमें एल गिवन है विच इज़ फाइव सी की वैल्यू आपके पास फोर है विच इज़ अ लिमिट पॉइंट बेसिकली और एपसी की वैल्यू है जीरो पॉइंट ज़ीरो वन और राइट सो हमें डेल्टा फाइंड करना है ओके okay. सो so, हमारी इनक्वालिटी थी एफ ओफ एक्स माइनस एल is less than epsilon f of x minus l absolute value this is less than epsilon f of x be given a l be given a values put kar de so we have x plus 1 minus 5 is less than epsilon ठीक है solve करेंगे तो ये बन जाएगा x minus 4 is less than epsilon c की value क्या है आपके पास 4 है तो ये क्या बन गया basically. ये वही चीज़ नहीं बन गई x माइनस सी इज लेस देन एप्सिलोन ठीक है तो इस केस में चूंकि आपके पास स्टार्ट आपने किया था फर्स्ट इनक्वालिटी से ये सेकेंड इनक्वालिटी बन गई है और सेकेंड इनक्वालिटी में क्या होता है बेसिकली x माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा होता है तो इस वजह से अगर आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो आपका डेल्टा और एप्सिलोन इक्वल आ जाएगा ठीक है दिस हैपन्स वेन एवर एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा तो चूँकि हमने स्टार्ट यहाँ से लिया था आपने इसी को सॉल्व करते हुए अल्टीमेटली ये चीज़ बना ली ये हर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है आगे अगर ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे हमें इसको फर्दर भी सोल्व करना पड़ेगा एक्स के लिए बहरहाल ये क्वेश्चन सिंपल था एक्स माइनस सी लेस देन हो गया एप्सीलोन से यहीं से आप इक्वल लगा के डेल्टा लिख सकते हैं ठीक है तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना जब एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा होगा ठीक है तो ये एप्सी हो गया इसका मतलब है एपसी डेल्टा इक्वल होंगे तो एप्सीलोन की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट ज़ीरो वन है तो यही वैल्यू डेल्टा की भी आ जाएगी वेरी सिंपल ठीक है ओके okay. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे, लेकिन इससे पहले हम स्टेटमेंट देख रहे हैं टू एक्स माइनस टू एल माइनस सिक्स माइनस टू ज़ीरो पॉइंट जीरो टू ओके सो टू एक्स माइनस टू फंक्शन है टू एक्स माइनस टू एल की वैल्यू आई थिंक माइनस सिक्स गिवन थी यस और सी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी इसमें आई थिंक माइनस टू देख लेते हैं सी इज़ माइनस टू यस और एप्सीलोन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू एप्सीलोन जो है वो ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू सॉरी नॉट टू जीरो पॉइंट ज़ीरो टू ओके okay, अगेन हम वही इनिक्वालिटी से स्टार्ट करेंगे एफ ओफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलोन ठीक है तमाम वैल्यूज इसमें पुट करें समेत तो इसमें भी देखें ना आपके पास एप्सिल की वैल्यू गिवन थी आप लगा भी सकते हैं एज इट इज़ भी लेके आ रहे हैं कोई इसका खास फर्क नहीं पड़ता इससे आंसर सेम आएगा खैर तो एफ ओफ एक्स की वैल्यू है इस केस में टू एक्स माइनस टू एल हमारे पास है माइनस सिक्स इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट जीरो टू एपसी की वैल्यू लगा दी सिंपल तो यहाँ से आपके पास बनेगा जी टू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स तो ये फोर बनता हुआ नज़र आ रहा है ऐसे ही है ना मतलब माइनस टू प्लस सिक्स ठीक है फोर ही है ओके और राइट सो यहाँ से देखिए जी इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू अब यहाँ से आप टू कॉमन ले सकते हैं ना बाहर पॉजिटिव टू जो है बाकी बचेगा एक्स प्लस टू इज़ लेस देन जीरो पॉइंट ज़ीरो टू अब आप दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इनक्वालिटी बचेगी एक्स प्लस टू इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन जब आप टू से डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो पॉइंट जीरो वन आ जाएगा ठीक है और यहाँ से अब आप देखें मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूँ बल्कि नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम लिख सकते हैंक्स माइनस माइनस टू इज लेस देन ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो वन लिखा जा सकता है ना सिंपली माइनस कॉमन ले लिया तो क्या ये अगेन वही चीज़ नहीं बन गई x माइनस सी सी क्या है माइनस टू है तो मैं लिख सकता हूँ ना c इसकी जगह पे x माइनस सी इज लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन ये किससे लेस होना चाहिए था डेल्टा से तो ये डेल्टा की वैल्यू आ गई है जस्ट आप कह सकते हैं कि कंपेरिजन करने पर डेल्टा आपको इस केस में मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो वन ठीक है एक्चुअल में इनक्वालिटी हमने कहाँ तक जाना था x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा c की वैल्यू है माइनस टू लेस देन डेल्टा का मतलब है जीरो पॉइंट जीरो वन से लेस होगी ठीक है तो ये डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे जिसमें स्केयर रूट एक्स प्लस वन है फंक्शन दिस इज़ वन दिस इज ज़ीरो दिस इज जीरो पॉइंट वन ओके फंक्शन आपके पास है स्के रूट ऑफ एक्स प्लस वन स्के रूट ऑफ एक्स प्लस वन एल की वैल्यू है वन जबकि सी जो कि लिमिट पॉइंट है दिस इज ज़ीरो और एप्सिलोन है जीरो पॉइंट वन आई थिंक यस ज़ीरो पॉइंट वन और राइट अगेन इनक्वालिटी आप स्टार्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एल के साथ तो अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखना चाहूँ चूंकि हम पीछे से चलें बल्कि लिख लेते हैं एफ़ ओफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सी तो अब तमाम वैल्यूज़ लगा दें एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी स्के रूट ऑफ एक्स प्लस वन के एल इक्वल है आपके पास वन के जबकि एप्सी की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट वन ठीक हो गया ओके ओ राइट सो अब देखें यहाँ से आप आ, क्या करेंगे वो आप प्रॉपर्टी लगा दें एप्सलूट वैल्यू की एप्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स लेट से अगर ये लेस देन है किसी नंबर से तो इसका मतलब है कि ये एक्स लाए करेगा माइनस ए और ए के दरमियान में ठीक है एक मरतबा ए माइनस के साथ और एक मरतबा प्लस के साथ और ये तरतीब रहेगी इन क्वालिटीज़ की सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है तो हमारे पास बनेगा जी माइनस का ज़ीरो पॉइंट वन इज लेस देन स्केयर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन इज़ लेस देन जीरो पॉइंट वन ये काम हम क्यों कर रहे हैं क्यों हम इसको ओपन कर रहे हैं अपस वैल्यू को क्योंकि पिछले क्वेश्चन की तरह आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हमें ये एक्स माइनस सी चाहिए था ना तो इसमें डायरेक्टली नहीं बन रहा एक्स माइनस सी इसके रूट की वजह से तो इस वजह से फिर हम इसको ओपन कर रहे हैं अब ये माइनस वन है ये लेफ्ट और राइट पे आप अगर वन वन ऐड करें इन तीनों जगहों पे तो ये आपके पास बनेगा वन माइनस ज़ीरो पॉइंट वन ठीक है ना यानी इधर आके सॉरी वन ऐड होगा तो वन माइनस जीरो पॉइंट वन बनता है जीरो पॉइंट नाइन इज लेस देन एक्स प्लस वन का स्केयर रूट एंड दिस इज लेस देन वन पॉइंट वन ये वन ऐड होगा जब जीरो पॉइंट वन में ये बन जाएगा वन पॉइंट वन ठीक हो गया तो अब आपने क्या करना है दोनों तरफ स्केयर रूट लेना है बल्कि तीनों तरफ कह सकते हैं हम सॉरी स्केय रूट नहीं स्केर लेना है ये स्केर रूट खत्म करने के लिए तो ज़ीरो पॉइंट नाइन का स्केयर बनेगा ये स्केयर और स्केर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे खाली प्लस वन पॉइंट वन का जो स्केयर है स्केयर बनेगा वो वन पॉइंट ठीक है अब आपने हर तरफ से माइनस वन करना है तो जब इधर माइनस वन करेंगे तो ये बनेगा माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन ठीक है यहाँ पर माइनस वन करेंगे तो वन खत्म हो जाएगा एक्स बचेगा और यहाँ पर माइनस वन करेंगे तो बनेगा जीरो पॉइंट टू वन तो ये एक्स का इंटरवल बन गया ठीक है अब अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो उसके आगे का काम जो है वो उसके आ, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था ठीक है यानी आपकी जो सेकेंड इनक्वालिटी होती है बेसिकली एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा इसको ओपन करेंगे सी की वैल्यू पुट करते हुए सी क्या है जीरो है तो ये बनेगा एक्स माइ एक्स एप्स वैल्यू इज लेस देन डेल्टा ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स इज लेस देन डेल्टा ठीक है अब इनको आपने कंपेयर करना है यानी लेफ्ट एंड पॉइंट है उसका लेफ्ट एंड पॉइंट के इक्वल रखें राइट एंड पॉइंट को इधर राइट पॉइंट एंड पॉइंट के इक्वल रखें ठीक है तो ये आपके पास क्या बनेगा माइनस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस जीरो पॉइंट वन नाइन और डेल्टा इक्वल आ जाएगा जीरो पॉइंट टू वन के ठीक है यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनती है इस केस में प्लस का ज़ीरो पॉइंट वन नाइन ठीक है अब आप जानते हैं कि हम डेल्टा की अगर नहीं भी जानते वैसे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में बता चुका हूँ हम डेल्टा की स्मॉलर वैल्यू चूज़ करते हैं उसकी एक रीज़न है क्या रीज़न है अगर आप डेल्टा की लार्जर वैल्यू चूज़ करेंगे तो आपका इंटरवल बाहर चले जाएगा ठीक है इंटरवल आपका बनेगा नहीं यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी डेफिनेशन आपकी हमेशा डेल्टा की छोटी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है इसको विजुअली अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लास्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर था लेक्चर नंबर ट्वेंटी और लेक्चर नंबर बल्कि उससे पहले नाइनटीन वो लाजमी देखें ठीक है उससे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों हम डेल्टा की स्मॉलर वैल्यू को चूज़ करते हैं राइट right? सो so, हमारा आंसर क्या था और क्या है सॉरी इस क्वेश्चन में डेल्टा की वैल्यू जीरो पॉइंट वन नाइन ठीक है ओके नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एटीन की तरफ स्केयर रूट एक्स है फंक्शन वन बाय टू है एल और सी है वन बाय फोर ठीक है वन बाय टू और वन बाय फोर और फंक्शन है सिंपली स्केयर रूट एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स एल हमारे पास है जी वन ओवर टू जबकि सी की वैल्यू है वन ओवर फोर एंड डेल्टा सॉरी डेल्टा नहीं एप्सिलॉन इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन ठीक है तो इन सब वैल्यूज़ के लिए हमें फाइंड करना है डेल्टा की वैल्यू को ओके ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनवालिटी विच इज़ एफ ऑफ़ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्के रूट ऑफ एक्स जबकि एल की वैल्यू है माइनस का वन बाय टू एंड दिस इज़ लेस देन जीरो पॉइंट वन सबसे पहले यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एप्स वैल्यू आप इसको ओपन करेंगे माइनस जीरो पॉइंट वन इज़ लेस देन स्के रूट एक्स माइनस वन बाय टू इज लेस देन ज़ीरो पॉइंट वन अब माइनस वन ओवर टू है तो आप हर तरफ वन ओवर टू एड कर दें ठीक है वन ओवर टू का मतलब होता है ज़ीरो पॉइंट फाइव तो ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन इस लेस देन के रूट एक्स चलें वन ओवर टू लिख लें या जीरो पॉइंट फाइव लिख लें एक ही बात है तो इसी तरह से फिर लेस देन ज़ीरो पॉइंट वन प्लस जीरो पॉइंट फाइव ठीक है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा जी ज़ीरो पॉइंट फाइव माइनस ज़ीरो पॉइंट वन इज़ ज़ीरो पॉइंट फोर इज़ लेस देन स्केयर रूट एक्स एंड दिस इज़ लेस देन ज़ीरो पॉइंट सिक्स अब चूँकि हमें एक्स के लिए इंटरवल चाहिए तो ये स्केयर रूट खत्म करने के लिए हमें स्केयर लेना पड़ेगा तीनों तरफ स्केयर ले लें तो ज़ीरो पॉइंट फोर का आपके पास जो स्केयर बनता है दैट इज़ीरो पॉइंट वन सिक्स ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 0.6 का जब आप स्केल लेंगे तो ये बनेगा 0.36 ठीक है तो ये एक्स का आपका एक कह सकते हैं कि एक इंटरवल बन गया अब सेकेंड इनक्वालिटी हमारे पास होती है एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा इसको ओपन करेंगे अब एक इंटरवल यहाँ से बनेगा फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो सी की वैल्यू हमारे पास है वन ओवर फोर एंड दिस इज लेस देन डेल्टा ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स माइनस वन बाय फोर इज लेस देन डेल्टा ठीक है अब ये है माइनस का वन बाय फोर तो आपने हर तरफ ऐड करना है वन बाय फोर को ये बनेगा वन बाय फोर माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स एंड दिस इज लेस देन डेल्टा प्लस वन ओवर फोर ठीक है तो यह डेल्टा की फॉर्म में एक्स का इंटरवल बना एंड दिस वन इज़ द इंटरवल फॉर एक्स ठीक है ये इंटरवल कहाँ से आया ये इस इनक्वालिटी से आया ठीक है ये कब सेटिस्फाई करेगी वेन एवर एक्स माइनस इज लेस देन डेल्टा तो इस वजह से हमें फिर यहाँ से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है इसकी लेफ्ट वाली एंड पॉइंट को यहाँ लेफ़्ट वाले से कंपेयर करें राइट वाले को राइट वाले के साथ करें जो वैल्यू छोटी आएगी वही आपका आंसर होगा ठीक है चलिए तो बल्कि हम कलर चेंज कर लेते हैं खैर तो वन ओवर फोर माइनस डेल्टा इक्वल रखेंगे जीरो पॉइंट वन सिक्स के ठीक है इसी तरह से वन ओवर फोर प्लस डेल्टा इक्वल रखेंगे जीरो पॉइंट थ्री सिक्स के वन ओवर फोर आपके पास होता है जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है ना तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अगर डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू बनेगी डेल्टा की जीरो पॉइंट जीरो नाइन यहाँ से और राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ से वैल्यू बनेगी डेल्टा 0.11 ठीक है ना ये 0.25 होता है 36 36, 36 नहीं सॉरी 36 0.36 माइनस करेंगे तो ये 0.11 बनेगा अब आप देख लें कौन सी वैल्यू छोटी है आई थिंक 0.09 छोटी है ना तो यही फिर हमारा आंसर होगा ठीक है डेल्टा इज जीरो मतलब डेल्टा की इस वैल्यू के लिए आपकी डेफिनेशन में जो इनक्वालिटीज़ हैं वो सेटिस्फाई करेंगी ठीक है ओके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये हमें पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा ऊपर से क्या चीज़ गिवन है एंड दिस इज़ बाय द वे 19 माइनस एक्स का स्केयर रूट एल इज़ थ्री सी इज़ टेन एप्सिलोन इज़ वन 19 माइनस एक्स का स्केयर रूट है ये ओके okay. एफ ऑफ़ एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन माइनस एक्स का स्के रूट एल की वैल्यू आई थिंक थी थ्री आई एम नॉट रॉन्ग यस और सी की वैल्यू थी इसमें टेन जबकि एप्सिलॉन उसने सीधा सीधा वन नहीं दिया हुआ है ठीक हो गया चलिए वी हैव द इनक्वालिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन बल्कि इसका एप्सलूट वैल्यू इज़ लेस देन एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है इस केस में नाइनटीन माइनस एक्स के रूट माइनस एल है जी थ्री और एप्सिलॉन है वन इन क्वालिटी को प्लस दिस एप्सलूट वैल्यू को जब हम ओपन करेंगे बेसिकली तो ये हमारे पास बनने वाला है माइनस वन इज़ लेस देन नाइनटीन माइनस एक्स के रूट माइनस थ्री इज़ लेस देन वन अब हर तरफ थ्री ऐड करेंगे इस थ्री माइनस थ्री को ख़त्म करने के लिए थ्री ऐड करेंगे तो ये बनेगा टू इज लेस देन नाइनटीन माइनस एक्स का स्केयर रूट इज लेस देन थ्री प्लस वन इज़ फोर अब आप स्केयर ले लें इसके रूट को ख़त्म करने के लिए तो वो बनेगा फोर इज लेस देन नाइनटीन माइनस एक्स इज लेस देन सिक्सटीन स्केयर लेने से फोर का स्केयर इज सिक्सटीन ऑल राइट तो यहाँ से अब आपके पास 19 को आपने क्या करना है जी सब्ट्रैक्ट करना है तीनों तरफ से तो यहाँ से फोर माइनस नाइन्टीन बनेगा माइनस का फिफ्टीन इज़ लेस देन ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का एक्स ऐसे ही है और यहाँ से हमारे पास बनेगा लेस देन 19 प्लस सॉरी माइनस नाइनटीन करेंगे तो ये माइनस का थ्री बन जाएगा ऐसे ही है ना सिक्सटीन माइनस नाइनटीन इज माइनस थ्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड यस दिस इज ऑल राइट सो अब आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है हर तरफ क्योंकि ये माइनस एक्स और हमें पॉजिटिव एक्स चाहिए अब इन क्वालिटी में जब आप माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है वेरी सिंपल ठीक है तो जब आप इसका साइन चेंज करेंगे तो ये ऐसे चेंज नहीं होगा कैसे चेंज होगा उसके लिए हम अपनी इन को सेपरेट करते हैं ठीक है तो हमारे पास क्या बनेगा जी बेसिकली माइनस फिफ्टीन इज़ लेस देन माइनस एक्स और इसके साथ में हमारे पास है माइनस एक्स इज़ वैसे इकट्ठा भी कर सकते थे चलें खैर एक ही बात है दबे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फिफ्टीन इज़ ग्रेटर देन एक्स यानी एक्स जो है वो फिफ्टीन से छोटा है और यहाँ से आपके पास बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन थ्री ठीक है एक्स इज ग्रेटर देन थ्री एंड दिस इज लेस देन फिफ्टीन तो ये है बेसिकली हमारे पास एक इंटरवल बना ग्रेटर देन होगा फिफ्टीन से लेस देन होगा थ्री से एक इनक्वालिटी में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं इज लेस देन फिफ्टीन एक्स लाइज इन बिटवीन थ्री एंड फिफ्टीन ठीक हो गया चलिए अब हमारे पास जो सेकेंड इन क्वालिटी होती है विट इज़ एक्स माइनस सी इज़ लेस देन डेल्टा उसकी तरफ मूव करते हैं तो एक्स माइनस सी का मतलब है टेन एक्स माइनस टेन एप्सलूट वैल्यू इज़ लेस देन डेल्टा थोड़ी स्पीड लगाते हैं ज़रा यहाँ से बनेगा माइनस टेन इज़ लेस देन एक्स माइनस टेन इज़ लेस लेसन डेल्टा माइनस टेन है तो टेन ऐड करें तो टेन माइनस डेल्टा इज लेस देन एक्स लेस दैन टेन प्लस डेल्टा आप कंपैरिजन कर लें तो क्या बनेगा कंपैरिजन करेंगे तो टेन माइनस डेल्टा इक्वल होगा थ्री के ऐसे ही है टेन माइनस डेल्टा इक्वल रखेंगे थ्री के यहाँ से डेल्टा की वैल्यू बनेगी सेवन और टेन प्लस डेल्टा दिस वन राइट वाली ये इक्वल रखेंगे फिफ्टीन के यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी फाइव आ जाएगी माइनस टेन और प्लस का फिफ्टीन यस फाइव आ जाएगी अब देख लें इसमें तो छोटी वैल्यू कौन सी है जाहिर सी बात है फाइव छोटी वैल्यू है तो यही एक्चुअली हमारे पास डेल्टा की वैल्यू हम इसको कंसिडर करेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्रस्ट नंबर ट्वेंटी वैसे ही आपको खुद करना चाहिए चलें देख लेते हैं एक्स माइनस सेवन का स्केयर रूट फंक्शन है फोर और ट्वेंटी थ्री वैल्यूज़ हैं एक्स माइनस सेवन का स्केयर रूट तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस सेवन का स्केयर रूट ठीक है और हमारे पास एल की वैल्यू गिवन है जी फोर जबकि सी की वैल्यू गिवन है ट्वेंटी थ्री और एप्सीलोन इक्वल है वन के ओके चलिए एफ ऑफ एक्स माइनस एल मतलब एक्स माइनस सेवन का स्केयर रूट माइनस फोर इज लेस देन एप्सीलोन तो एप्सीलोन की वैल्यू है वन ओपन करने पर हमें मिलेगा माइनस वन इज़ लेस देन स्केयर रूट एक्स माइनस सेवन माइनस फोर इज़ लेस देन वन फोर ऐड करेंगे हर तरफ तो यहाँ पर फोर माइनस वन बनेगा थ्री इज़ लेस देन एक्स माइनस सेवन स्केयर रूट इज़ लेस देन फाइव फोर ऐड करेंगे ना तो फोर प्लस वन फाइव बन जाएगा अब स्केयर स्केयर ले लें ले हर तरफ थ्री का स्केयर नाइन इसका स्केयर आ जाएगा सिंपली एक्स माइनस सेवन फ़ाइव का स्केयर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव अब सेवन ऐड कर दें इस माइनस सेवन को ख़त्म करने के लिए तो सेवन ऐड करेंगे सिक्सटीन लेस देन एक्स लेस देन थर्टी टू यस थर्टी टू ठीक है तो ये एक्स का इंटरवल बना अब आ जाए एक्स माइनस सी इज़ लेस डेल्टा पे तो यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी ट्वेंटी थ्री दिस इज लेस देन डेल्टा दैट मीन्स माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन एक्स माइनस ट्वेंटी थ्री एंड दिस इज़ लेस देन डेल्टा ट्वेंटी माइनस हो रहा है तो इसको हम ऐड करेंगे ये बनेगा 23 थ्री माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स एंड दिस इज लेस दैन ट्वेंटी थ्री प्लस डेल्टा चलिए अब हम वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे इसमें तो मतलब कंपैरिजन कर लेंगे राइट right वाली राइट right के साथ लेफ्ट वाली लेफ्ट के साथ तो हमारे पास बनेगा जी ट्वेंटी थ्री माइनस डेल्टा लेफ्ट पे और यहाँ से लेफ्ट पे है सिक्सटीन राइट right वाली देखा जाए तो वो है ट्वेंटी थ्री प्लस डेल्टा एंड दिस वन इज़ थर्टी टू तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू हमारे पास बनती है आई थिंक सेवन यस सेवन बन रही है और यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आपको बनेगी ट्वेंटी थ्री और थर्टी टू का कितना डिफरेंस है नाइन का यस नाइन नाइन बनेगी देख लें कौन सी स्मॉलर वन है स्मॉलर इज ऑफ कोर्स सेवन तो सेवन ही हमारे पास डेल्टा का आंसर होगा ठीक हो गया सो so, आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है आज हमने सोल्व किए हैं फिफ्टीन से ट्वेंटी तक नेक्स्ट दो लेक्चर्स में भी बाकी के इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फाइव और उसके बाद भी ट्वेंटी सिक्स के थर्टी तक तो आज के लेक्चर से मुतल अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच